तो जय महाकाल दोस्तों, कैसे हो आप सब। नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई कल हमने बात करी थी निफ्टी और उसकी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो देखेंगे आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी ने, और बल्कि लेवल तो हमारे वही वर्क करे निफ्टी के। मैं भी दिखाता हूँ तुम्हें निफ्टी का चार्ट। पहले हम देख लेते हैं एफ आईज और डी आईज का डाटा। तो भाई एफ आईज ने आज सेलिंग करी 1700 करोड़ की और 1200 करोड़ की बाइंग करी है डी आईज ने। ठीक है, ये हमारा मोटा मोटा हिसाब। विक्स कुछ ज़्यादा माइनस में था 1.3%। और फिर एक बार हम चार्ट देख लेते हैं एक बार ट्रेडिंग व्यू पर, जो हमने देखा था कल उसी को हम देखेंगे, मद्देनजर रखेंगे। निफ्टी निफ्टी में आके 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, जो हम कल बात करते गए थे 15 मिनट में। अगर हम 15 मिनट में देखें तो कि हम कल यही बात करके गए थे कि यही हमारा सपोर्ट होगा 400-450 के आसपास का ये, और यही सपोर्ट जोन था हमारा। और इसके नीचे रुका ही नहीं, आया ऊपर, आया ऊपर, और यहाँ से सुबह खुला। सुबह खुलने के बाद हमने बोल मैंने बोला था कि अगर गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद नीचे की तरफ आएगा, आने के बाद ये सपोर्ट है, और ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा तो फिर दोबारा नीचे आ जाएगा। दोबारा नीचे आया, वही हिसाब से नीचे आने के बाद फिर इन्हें यहाँ पर अपना सपोर्ट ली, जो हमारा लेवल था। इस कैंडल में हमारा पूरा प्रॉफिट था ये वाला, अगर इसने यहाँ पर एंट्री ली होगी तो यहाँ का उसका पूरा प्रॉफिट बना होगा। यहीं से फिर इन्हें सपोर्ट लेके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, और फिर इसी लेवल पर ऊपर ऊपर ले गया, इसी लेवल पे आया, फिर ऊपर ले गया, फिर नीचे की तरफ यहीं कहीं बंद करके चले गया हमारे 450 के आसपास ही। तो ये लेवल मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत वो है कि ये अच्छा लेवल है, और ये मैंने बात करी थी कि इसी जोन में रहेगा कुछ दिनों तक, और वैसे आज भी इसी जोन में रहा, बस ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद सीधा नीचे आ गया। ठीक है, इसी ने अच्छा ट्रेड किया होगा तो अच्छा मिल गया होगा ऊपर से हम। और मेरा जो मंथली जो मैंने लेवल बता के गया था, मैं 23,200 और 100 के आसपास है। इससे नीचे आना इसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अपना जितना स्ट्रेच हो चुका था, क्योंकि ये जो लेवल है ना 23,200, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है इसका, एक तरह से ये मानो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है इसका। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये बहुत समय बाद आता है, मतलब ऐसा साफ साफ दिख रहा है ये लेवल है इसका, और धीरे धीरे ऊपर गया है, बहुत टाइम लगा के ऊपर गया है। अगर नीचे भी आएगा तो अपना 200 और लास्ट है इसका 100, लास्ट है इसका 100 तो बहुत ही मुश्किल है इसका आना, 100 के आसपास भी नहीं, 130, 100 भी नहीं आएगा, 130 के आसपास। पहले तो हमारा ये 23,200 हमारा लास्ट लेवल, अगर इसके नीचे आता भी है तो अपना इसका एक सपोर्ट ये रहा, एक सपोर्ट ये रहा, दूसरा सपोर्ट ये रहा, 228 पे है, एक इस पे 200-300 पे, तो इसके बहुत सपोर्ट है। लास्ट हमारा मंथली लेवल का मैं बोल रहा हूँ, अगर हम मंथली लेवल का बोलूँ तो मंथली लेवल का हमारा 23,200 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, उससे नीचे बहुत ही मुश्किल है इसका आना। तो हमने जो जैसा बात करी थी वही वही हुआ एक तरह से देखा जाए तो। और हम अब इसको मिटा के कल के आगे की बात कर लेते हैं, आगे मुझे क्या लग रहा है कि आगे क्या हो सकता है। अब ये 400 से लास्ट आ गया, 400 से छूके गया, तो अब हम मान लो कि एक 400 का इसका सपोर्ट लेवल बन गया, 23,400 का। अगर बाई चांस 23,400 का सपोर्ट लेवल लगा लो, 23,300 का लगा लो, ठीक है, और लास्ट हमारा 23,200 का लेवल है, ये मान लो 100-100 पॉइंट के लेवल लगा लो एक तरह से, ठीक है, और ऊपर की तरफ भी हमारा 640 के आसपास का लेवल, और ये 640 के आसपास का लेवल। अब क्या कर सकता है ये, या तो ये इसी जोन में निकाल दे मंडे और ट्यूसडे को, और फिर ये वेडनेसडे को निकले ऊपर ने नीचे। अगर इन्हें मंडे और ट्यूसडे से पहले अगर इन्हें नीचे की तरफ काटा तो पहला हमारा सपोर्ट है 23,300, ठीक है, और फिर इसके बाद नीचे की तरफ इन्हें ऊपर जा, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा ऊपर गया और ऊपर नहीं जा पाया, दोबारा नीचे आया, तो हमारा जो हमारा 200 का लेवल है वो आप देख सकते हो, और ये हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट है अगर देखा जाए तो, बहुत अच्छे टाइम फ्रेम पे है, और बड़े टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट मान लो एक तरह से, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ये हिट हुआ है, ठीक है। तो इसके नीचे तो बहुत मुश्किल है आना, बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, हमने वो मोटे मोटे लेवल बता दिया आपको। अब मैं ऊपर की तरफ देखूँ ना, ऊपर की तरफ मुझे क्या लग रहा है, कल खुला, खुलने के बाद नीचे आया, नीचे के बाद यही इसी लेवल पे 400 के लेवल पे सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ अपनी जर्नी नीचे ऊपर करते करते ऊपर ले गया, ऊपर टांग दिया इसने, ऊपर टांगने के बाद अपना धीरे धीरे नहीं कहीं ले जाके धीरे धीरे जाएगा ऊपर, अब धीरे धीरे जाएगा। हाँ, अब इन्हें अपना ऑल टाइम अब दोबारा काटा तो लग रहा है कि थोड़ा अच्छा मूव आ सकता है ऊपर की तरफ, बाकी तो अभी थोड़ा मेरे को लग रहा है साइडवेज ही होगा, दो दिन मंडे और ट्यूजडे, मेरे को वेनसडे को कुछ लग रहा है कि वेनसडे को कुछ हो सकता है, मंडे ट्यूजडे वेनसडे, हाँ वेनसडे को कुछ हो सकता है। एक और एक चीज़ और देख लूँगा,
हाँ वेनसडे को कुछ हो सकता है, तो वेनसडे को देख सकते हैं हम कि क्या होगा। और बाकी अगर बाई चांस गैप अप यहाँ है, गैप अप खुल गया, गैप अप खुलने के बाद ऊपर गया, अपने हाई पे गया, हाई से फिर दोबारा नीचे की तरफ आने की तरफ हो रहा है, फिर यहाँ सपोर्ट ली, यहाँ सपोर्ट लेके यहाँ टाइम बिता रहा है, फिर ऊपर की तरफ काट देगा 3 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, जैसे भी। बस हमें मार्केट को वॉच करना है कि मार्केट क्या क्या अपने स्टेप ले रही है, और उस हिसाब से हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। गैप डाउन तो मुश्किल लग रहा है, अब अगर कोई न्यूज़ व्यूज़ आ गई तो हो गए। अब हमसे कंपोनेंट की भी एक बार बात कर लेते हैं कि कंपोनेंट की क्या बात है। कंपोनेंट में भाई देखो, जैसे कि तुम्हें पता है, अभी हमारा कल या परसों चला था सर बैंक चले दे, आधा आईटी चली थी, बैंक चले, आईटी चली। कि निफ्टी में जो सपोर्ट है ना, बैंक का सपोर्ट है, क्योंकि बैंक की वैल्यूएशन कम है, कंज्यूमर में जैसे कि एक्चुअल वैचुअल वो थोड़ा उसमें कम पार्ट है, आईटी का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, और आईटी बहुत वैसे ही गिरी हुई है, तो ये ज़्यादा गिर नहीं सकती, इसलिए मुझे लगता है कि ये 200 के नीचे मुश्किल है इसका आना, ठीक है। अगर होएगा भी तो कुछ नीचे की करेक्शन हो जाएगी, 300 200 200 तक लास्ट इसका लेवल है। अब मुझे तो यही लगता है कि मुश्किल ही होगा कि आना, बाकी तो मार्केट है, देखेंगे क्या होता है आपके सामने कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने भी जो हम कल बात करके गए थे वो ये हुआ है कुछ, ये जो मैंने साफ बोला था, बिल्कुल साफ बोला था कि ये जो लेवल है ना ऊपर और ये नीचे, ये इसका 2 3 दिन का लेवल है, वेनसडे को बोला था मैंने, कल और परसों, आज 2 दिन हो गए, 2 दिन में इसी लेवल पे है। और नहीं यकीन है तो मेरी वीडियो देख लेना, मैंने 2 दिन पहले वाली वीडियो में बोला ये कि इसके यही लेवल है, ये इसी जोन में रहेगा 1 2 दिन, और ये इसी जोन में है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ये चला, मैं मानता हूँ कि ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसके बाद जगह नहीं है ना नीचे आने की, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये अभी यहीं यहीं रुक सकता है, और यहीं रुकने के बाद अपनी ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकता है दोबारा, या इसको क्योंकि 92, अब मैंने ये कह रहा था कि ज़्यादा ऊपर नहीं आ सके, क्योंकि 92,000 पे बहुत सारे एक शॉर्ट बने हुए हैं 92,000 पे, तो इसलिए ये ऊपर खुला, ऊपर खेलने के बाद अपने ये वाले नीचे वाले लेवल पे आ गया। ये मैंने 15 मिनट में दिखा देता हूँ, मैं तुम्हें 15 मिनट में बोला था मैंने कि ये यहाँ से निकला, निकलने के बाद ये यहाँ यही बंद करके गया, और ये हमारे लेवल है, इसी लेवल में हमारा खेला खेला है। अब यही बात कर लेते हैं हम इसी लेवल को देखते हुए, कि अगर ये इधर आया, इधर आने के बाद अगर ये टाइम एक मुझे लग रहा है मंडे ट्यूसडे ये भी बिताएगा, वेनेसडे को उसमें कुछ हो सकता है जहाँ तक मुझे लग रहा है। और वरना अगर ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, यहाँ कहीं आया, यहाँ के आके फिर नीचे की तरफ आया, आने के बाद फिर अपना ये वाला जो उसका 50,500 है वो इसका एक सपोर्ट है बहुत बड़ा, ऐसे ही ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ सपोर्ट लेगा और रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस लिया नीचे आया और फिर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, ऐसे कर देगा। ये है मोटा मोटा, मैंने आपको बता दिया है क्या है, अब क्या होगा। अब एक और मैप में टाइम देख लेते हैं, 2 दिन मार्केट बंद है, 23 को, मंडे को खुलेगी, 1 2 3 4, 4 दिन का कारोबार बचा इस महीने का, मतलब 4 दिन काम करेगी अभी मार्केट, 1 2 3 4 5, 5 दिन, सॉरी सॉरी 5 दिन का काम है, 5 दिन में से, अब इनमें से मुझे लग रहा है 2 दिन तो कुछ नहीं करेगा, वेनसडे को कुछ कर सकता है, वेनसडे फ्राइडे, वेनसडे थर्सडे को, और फ्राइडे को अपना नॉर्मल जा सकता है, इंटरसाल गया है। चलो तो अब देखते हैं, वैसे तो मार्केट को देखते रहेंगे कि यहाँ पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। गोल देख लेते हैं, गोल्ड इसी रेंज में है अगर हम देखें तो, ये जोन है, जोन में फंसा हुआ है, अगर इसने इस लेवल, अगर ये यही टाइम पे हम बताने के बाद ऊपर की तरफ ले जाएगा तो देखते हैं। इसमें तो आप, इसमें अगर गोल्ड में किसी को कुछ करना है तो ETF में सबसे बढ़िया है, क्योंकि फ्यूचर व्यूचर खरीदने में बहुत पैसे लग जाते हैं। हाँ ये देख लो यार, एक अगर किसी को लेना होगा तो इसी किसी कहीं लेवल के आसपास ले सकता है कोई बंदा, क्योंकि गोल्ड है यार, ज़्यादा नीचे तो आएगा नहीं, ठीक है। ये अच्छे इतना अच्छा मूव मिला ऊपर की तरफ, अब ये आप सिल्वर में देख ले, सिल्वर हमने लिया था पर हमने अभी हाल ही में बेका है, कहीं यहाँ कहीं बेका था $30 के आसपास, अभी भी 30 ही है, ये 3200 हो गया था, अच्छा बढ़ा था यार ये, हमने $20 के आसपास लिया था, $20 के नहीं, करीब $25 के आसपास लिया था, $25 के आसपास लिया था, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया था। अगर हम देखें तो अब इसमें क्या है, अब यहाँ से लग रहा था कि ऊपर जाएगा, ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया, डबल बॉटम बनाया इसने,
डबल बॉटम बनाने के बाद अपना नीचे की तरफ आ गए, आएगा भी तो यहाँ तक आएगा, अपना लास्ट लेवल 56,000 के आसपास तक आएगा, इसका लास्ट लेवल है। तो बाकी देखते हैं फिर क्या करता है, अगर यहाँ से यहाँ का सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ दोबारा, और अपना मैं बोलूँ किसी की अगर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 पूरी लगाई, पूरी लंबी चौथी 5, मतलब ये है कि मुझे लग रहा है करीब जब तक इस जोन में है ना, इसमें कोई ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा है नहीं। इस जोन से अगर ऊपर नीचे निकलता है तो देखेंगे इसका फ्यूचर व्यूचर लेके, देखते हैं इसका अभी 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 तो टाइम है इसको कुछ करने में, कोई फ़ायदा है नहीं। नैसडैक है अपना पूरा तेज़ी में निकला हुआ है, अपना एस में है बंदा, बोन डील कम हो गई पहले से देखा जाए तो अप्रैल के मुकाबले बहुत कम हो गई। अच्छा अपना 1% ये हुआ है विक्स, फिर निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी भी यही है, मेरे को लग रहा है कि मंडे या ट्यूजडे को, मंडे तो कुछ मुझे लग नहीं रहा कुछ ज़्यादा ऊँचा हो पाएगा, वो भी जाए भाई देखो हमारे ये ऊपर और नीचे के लेवल है, ऊपर जाएगा तो देखते हैं, नीचे जाएगा तो भी देखते हैं, पर इस जोन में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये जोन में फंस जाता है ना बहुत बार। ठीक है ये चीज़ आगे रखना, और कुछ है मार्केट के लिए अगर हम, चलो वो चीज़ छोड़ो, एक स्टॉक था मेरे को अच्छा लग रहा था, मैं उसको स्टडी कर रहा था, देख सकते हो तुम आप, क्या नाम था उसका, एफिस पिस। अभी इसका पी नहीं आ पाया क्योंकि माइनस में है उसका आरओई, और रिटर्न एसेट इसका माइनस में है, बट कंपनी मेरे को थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है, कुछ नया बिजनेस है इसका, तो मैंने देख रहा था इसको, देखते देखते मुझे इसकी सेल्स ग्रोथ अच्छी लगी कि हाँ भाई 50-60 उस वाले ने अच्छी सेल्स ग्रोथ दी 56% की, और तीन उसमें अच्छे वो कर गया, उसने एक दिक्कत कर रहा है कि ये भी प्रॉफिटेबल नहीं है, अगर हम देखें ना ये प्रॉफिटेबल नहीं है, उसमें एक दिक्कत है इसका बस। अब मुझे इसका अच्छी चीज़ लगी कि चलो कैश फ्लो तो पॉजिटिव में है, माना कि कंपनी उसमें नहीं है पर तो कैश फ्लो पॉजिटिव में है, तो मैं इसको देखूँ कि हाँ भाई इसको वॉच, अपनी वॉच लिस्ट में रखूँगा इस स्टॉक को। अगर हम सेक्टोरियल का देख लें, सेक्टोरियल में लास्ट बार बात करी थी कि टेलीकॉम में बहुत वो हो रहा है, तो टेलीकॉम में हमने एक स्टॉक की बात करी है पुराने वीडियो में, और वो स्टॉक बहुत भी बहुत बढ़ गया है, और एक बार देख सकते हो पुरानी वीडियो अगर आप तुम देखोगे तो। ठीक है चलते हैं भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लर्निंग पे फोकस करो भाई, मैं भी लर्निंग पे फोकस करता हूँ आज भी, थैंक यू।